पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विकास प्राधिकरण की डबल इंजन की सरकार ने अपनी बेहतर कार्यशैली के चलते उत्तर प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की पूरी टीम को अच्छा कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लखनऊ से मुरादाबाद वापस लौटे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव राजीव पांडे का कार्यालय में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की पूरी टीम के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कहा गया कि विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष और सचिव राजीव पांडे के दिशा निर्देशन में पूरी टीम बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को राजस्व आय बढ़ने के साथ साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कार्य करने का एक लक्ष्य दिया गया था। सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी बेहतरीन कार्यशैली के चलते पूरे प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। हम लोगों ने IDRS के अंतर्गत मई माह में ही ये स्टेप बना लिया था, ये लक्ष्य बना लिया था कि कोई भी शिकायत हम डिफॉल्टर नहीं होने देंगे, किसी भी शिकायत को हम सी कैटेगरी में नहीं आने देंगे। इसके लिए जब निस्तारण आता था तो पहले जो प्रार्थी है और जो आवेदक है उसे फोन पर दूरभाष में वार्ता की जाती थी, और दूरभाष वार्ता करने के बाद अगर यदि वो असंतुष्ट है तो पहले ही उसका निर्माण कर दिया गया और अपलोड तब किया गया जब उसका निर्माण बहुत असंतुष्ट हुआ। इस प्रकार हम पर फीडबैक भी नहीं आया, सी कैटेगरी की भी कोई शिकायत नहीं आने थी, और हम लोग चार दिन का तीन दिन का आगे का प्रोग्राम दे करके चल रहे हैं। आज भी ये स्थिति है कि 20 तारीख तक का कार्यक्रम हम लोगों ने आज 16 तारीख को ले रखा है, 20 तक का कोई भी डिफॉल्टर कोई भी आवेदक हमारे पास नहीं है। इस तरह से आगे की योजना बना करके हमने IDRS को सफलतापूर्वक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को नंबर एक स्थान पर पढ़ा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।